नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजा खन्ना। जिस तरह कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है, वहीं सरकार द्वारा मंदिर, स्कूल, कॉलेज, सभी जगह धार्मिक स्थान बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जैसे ही अब नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं, सिरसा में सरसाईनाथ धाम, सिरसा का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, नवरात्रे को पहले नवरात्रे को यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा भी लगाया जाता था, वहीं जागरण और मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो वैसे ही अब हम आपको लेकर आए हैं मंदिर के बाहर, यहाँ पर जानेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में कि मंदिर कब स्टार्ट हुआ था और कब से चलता रहा है, मेले भंडारे का किस तरह से आयोजन रहता है। यहाँ बाबा सरसाईनाथ के मंदिर में अपना डिस्पेंसरी है जी, और आयुर्वेद का काम करता हूँ मैं। ये पिछले 725 वर्षों से बाबा सरसाईनाथ जी ने ये सिरसा शहर को बसाया था और हर विपता अशांति सबका ये नाश करने वाले अपने शहर के मालिक हैं, और इनकी बड़े भरपूर आसपास के एरियों से लोग आते हैं और उनके दर्शन करने जाते हैं। किंतु आज वो मोदी जी के आह्वान के ऊपर सभी शहरवासियों ने एकजुट होकर के इस कोरोना वायरस को दूर करने के लिए एकता बनाए रखी है। इस बहाने से जो है ना, ये सरसाईनाथ मंदिर का धाम बंद हो गया है। लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, यहाँ बाहर से मत्था टेके जाते हैं। बाबा जी का आदेश ही है कि भी आप एक एक करके आए और आराम से दर्शन करके बाहर से ही चले जाएं। ये सभी लोगों के लिए मेरी भी शुभकामनाएं नव वर्ष की। आज 2077 पहला नवरात्रा है माता जी का, और माता दुर्गा का आशीर्वाद और बाबा सरसाईनाथ का आशीर्वाद शहर के ऊपर हमेशा बना रहता है और आगे भी भविष्य में बना रहेगा। ये हमारी शुभकामनाएँ हैं। पिछले काफ़ी वर्षों के बाद ये पहला चांस है जो आज पूरी तरह से ये बंद है धाम, वरना 24 घंटे के अंदर 18 घंटे ये खुला ही रहता है। और हर श्रद्धालु बाहर से भी आते हैं, दूर दूर के आसपास के एरिया से आते हैं और यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपनी मन्नत भी मांगते हैं और सब कामना बाबा जी पूरी करते हैं। किंतु आज ये पूरे शहर के लिए और पूरे प्रदेश के लिए ये कोरोना के चक्कर के अंदर ये पूरा शहर बंद है, तो सभी शहरवासियों का भी एकता दिखाई है और बाबा जी का बाहर से ही मत्था टेक करके अपना आशीर्वाद लेकर चले जा रहे हैं। अभी तो लगभग 50-60 लोग आए हैं अभी तक, बाकी देखो दोपहर तक 200-250 की संभावना बन जाती है, वो आ सकते हैं। वैसे तो ये हमारी फिर से कामना है कि सभी लोग स्वस्थ रहें और ये बाबा जी का आशीर्वाद है और शहरवासियों के लिए बाबा जी का भरपूर आशीर्वाद हमेशा भी रहा है। और आगे भी मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, मंदिर का इतिहास क्या है, पहला ही ऐसा दिन आया है इतने सालों के बाद कि मंदिर बन रहा है। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन दीपक सोनी के साथ मैं निशा पर्पल, धन्यवाद।